हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग जो आर्टिकल्स और एडिटोरियल निकलते हैं उसमें से जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है या फिर आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उनके प्रिलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं हैं। हम लोग इसके साथ ही कुछ उनसे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे और आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार, आज है 6 दिसंबर, वेडनेसडे। तो चलिए सबसे पहले देखने क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले तो अभी साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट के अलॉन्ग आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, मिछोंग साइक्लोन है उस साइक्लोन का नाम, उसके बारे में है आर्टिकल। उसके बाद अभी जो आपका COP28 होने जा रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो उसका कार्बन स्टॉक टेक के बारे में एक आर्टिकल है। उसके बाद एक आपका आर्टिकल है, रिपोर्ट आई है ग्लेशियर्स के बारे में कि ग्लेशियर्स की अब जो साइज़ है वो कॉन्स्टेंटली कम होते जा रहे हैं। एंड उसके बाद आपका एक आर्टिकल आया है, एक कॉलम आया है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि कैसे उनसे उनको आगे कैसे बढ़ना है हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। एंड उसके बाद आपका एक एडिटोरियल आया है अबाउट अम्बेडकर्स विजन इन सोशल जस्टिस पॉलिसीज। ठीक है, तो चलिए हम इनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहला है मिछोंग मेक्स लैंडफॉल इन आंध्र प्रदेश रिक्स हैवोक। तो अभी हम जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम लोग एक बार डिटेल में हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जब हमने साइक्लोन मिछोंग के बारे में बात करी थी कि साइक्लोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है एंड उसी का डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला जो एस्पेक्ट होता है, हम इन सारे एस्पेक्ट्स को हम इससे जस्ट पहले वाले 5 दिसंबर के लेक्चर में हम लोग एक बार देख चुके हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आपके इसी के बारे में है कि साइक्लोन मिछोंग जो है आपका जो बपाटला टाउन है उसके अलॉन्ग लैंडफॉल किया है। लैंडफॉल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका ये वर्ड ही बता रहा है, जब साइक्लोन जो है, मान लीजिए ये आपका सी है एंड ये आपका लैंड है, तो ये जो साइक्लोन है, हम जानते हैं साइक्लोन जो है सी से लैंड की तरफ मूव करता है, एक पर्टिकुलर पाथ में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे साइक्लोन जो है लैंड पे एंटर करता है उसे हम साइक्लोन का लैंडफॉल कहते हैं। ठीक है, और इसके चलते वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सारे एक्शंस भी लिए हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं, जैसे वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को रोक दिया गया, ठीक है, पावर वहाँ की शट डाउन कर दी गई। ठीक है, और अभी तक इससे रिलेटेड कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। एंड ये भी बताया जा रहा है द सी हैज़ कम फॉरवर्ड बाय अबाउट 100 to 100 meters अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टाइडल वेव्स। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, जब साइक्लोन आता है, साइक्लोन जो है दो फिनोमिना होते हैं, तो सबसे पहले फिनोमिना की बात करते हैं जिसे कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। ये आपके साइक्लोन से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी है। देखिए, स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, किसी भी तट के अलोंग जब कोई साइक्लोन आता है, साइक्लोन जो है बहुत पावरफुल होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। जब ये आपका लैंड की तरफ मूव करता है तब काफ़ी सारा प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, और जब ये इधर आता है, देखिए, जब ये लैंड की तरफ मूव कर रहा होता है तो जो वाटर है, वाटर भी इसी डायरेक्शन में पाइल अप होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है वाटर, जब साइक्लोन आपका इस डायरेक्शन में आता है। तो जब वाटर काफ़ी ज़्यादा, पानी जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और लैंड के अंदर की तरफ मूव करने लगता है पानी आपके साइक्लोन की वजह से, इसे हम कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। एक टाइप से छोटा सा फ्लड समझ लीजिए, जब साइक्लोन जिस जगह पर आता है उस जगह पर अपने साथ छोटा सा फ्लड भी लाता है। उस साइक्लोन और लैंड के बीच का जो वाटर है, एक टाइप से वाटर लैंड की तरफ मूव कर जाता है, एक तो स्टॉर्म सर्ज है और दूसरा है आपका टाइड्स। ठीक है, ये हम जानते हैं, जब भी हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, हाई टाइड में जो है, जैसे ये कोस्ट मान लीजिए, ये आपका वाटर लेवल है, मीडियम वाटर लेवल है, तो हाई टाइड के समय पानी जो है ऊपर हो जाता है, लो टाइड के समय पानी जो है गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा हुआ, साइक्लोन आने के बाद जो समुद्र का पानी है वो ज़मीन से 100 से 110 मीटर जो है अंदर आ गया।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है इस जगह पे। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, साइक्लोन्स और टाइड्स की वजह से फ्लड्स आते हैं। एंड उसके बाद है आपका ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए अभी हम जानते हैं कि आपका COP28 जो है आपका UAE में होने जा रहा है। COP28 जो है आपकी एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है आपकी UNFCCC की, ठीक है। यहाँ पे आपका बात डिस्कशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्या चल रहा है, क्या क्या कंट्रीज़ एक्शन ले रही हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, क्या आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा एक दूसरे को, और क्या सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स अडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स हो सकते हैं, और आगे के समय में क्या फ्यूचर प्लान होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में डिस्कस होती हैं। तो अभी तक ये 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। तो यहाँ पे आपका ग्लोबल स्टॉक टेक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GST ग्लोबल स्टॉक टेक के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पे प्रिपेयर करना शुरू किया गया है, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल स्टॉक टेक होता क्या है। देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर में इसकी डेफिनेशन दी है कि अभी तक पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका 2015 में जो COP होता है उसमें पेरिस में होता है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है कि कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग एफर्ट लेंगी अपना टेम्परेचर, अपना कार्बन एमिशन 1.5 डिग्री से कम रखने के लिए। तो यहाँ पे अब ग्लोबल स्टॉक टेक में उस एग्रीमेंट के तहत क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया गया है, उसका एक तो पूरा एनालिसिस किया जाएगा, अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस किया गया है वहाँ उस चीज़ को लेके ये किया जाएगा, और 2 डिग्री सेल्सियस ताकि तापमान ना बढ़े उसके प्रिपरेशन के लिए अभी तक कंट्रीज़ क्या क्या करनी है। यही नहीं, ग्लोबल स्टॉक टेक के अंडर कंट्रीज़ को मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, गाइड भी दिया जाएगा कि अपना ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए ये क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है स्टॉक टेक। एंड देखिए अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उनका कोई ना कोई एक डिक्लेरेशन आता है, ठीक है, कोई ना कोई एक आउटकम आता है, ठीक है। तो ये एक टाइप से जो COP28 है, ये जो GST है आपका, ये आपका इसका एक आउटकम है, ठीक है। जैसे आपका G20 में अभी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, 2015 के COP में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, तो उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल आया था, तो अलग अलग एक टाइप से एंड में जो एग्रीमेंट निकलता है दैट इज GST, ठीक है। एंड इस बार देखिए इस बार की खासियत क्या है, ये वाला स्पेशल क्यों है, क्योंकि अभी तक देखिए बोला जा रहा था कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, वो आपकी कोयले से निकलती हैं, ठीक है। कंट्रीज़ जो हैं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला जलाती हैं, उससे बिजली प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन और अभी तक UNFCCC की जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं अलग अलग, उनमें हमेशा कोल को टारगेट किया गया था। ये हमेशा बोलते हैं थे कि कंट्रीज़ जो हैं कोयले से एनर्जी कम करेंगे, लेकिन अब पहली बार हुआ है कि अब से कोयले से और फर्दर मूव करके फॉसिल फ्यूल को टारगेट किया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है। कैसे कि हम जानते हैं कि कोल से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन अदर मीन से भी प्रोड्यूस होती है, जैसे ऑयल से होती है, ठीक है, जैसे गैस से होती है, तो इन माध्यम को भी कम करने के लिए अब यहाँ पे ये जो GST है, ग्लोबल स्टॉक टेक, इसके अंडर सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे एजेंडा यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, जो यहाँ पे प्लेज ली जाएगी, अब वो कोल से आगे चल के अब पूरे फॉसिल फ्यूल्स को ही कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि यहाँ पे देखा गया है कि बट गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोल टू द इकोनॉमीज, इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट, देखिए ये तीन ऐसे देश हैं जो आजकल के सबसे बढ़ते हुए आर्थिक देश हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि इनके लिए कोल और फॉसिल फ्यूल्स अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे बात इन्होंने एक स्टेलमेट की भी की है। एंड ये भी जानना ज़रूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स क्यों, क्योंकि देखिए कोल से तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता ही है, बट अगर हम कंबाइंड फॉसिल फ्यूल का पॉल्यूशन देखें तो आज के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, टोटल फॉसिल फ्यूल जो है आपका 80% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो है कंप्राइज करते हैं,
अब देखिए जैसे यहाँ पे ग्लोबल स्टॉकटेक से रिलेटेड ये एक आपका डिक्लेरेशन हुआ, इसी की तरीके से इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो हो रहा है दुबई में, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लिए गए हैं एजेंडाज, जैसे आपका फाइनेंसिंग के ऊपर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, आपका अडेप्टेशन के ऊपर किया है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हैं। और अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंट्रीज़ को बोला गया है कि अब वो उनका जो एफर्ट है, जो उनका नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, कि जो खुद से कंट्रीज़ कहती हैं कि हाँ हम इतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, यहाँ पे उन्हें बोला गया है कि अब अपना जो NDC है, उनका जो प्लेज है, उसको तीन गुना और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030। कब तक? 2030 तक और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अप टू 11,000 गीगावाट्स, ठीक है। और ये भी बोला गया कि एंड डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट कंपेयर टू 2022 लेवल। सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी ही नहीं बढ़ानी, लेकिन उस एनर्जी को यूजेज के लिए और उसको कितना कुशल बना सकते हैं और कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए भी कंट्रीज़ को और प्रोग्रेस करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी एफिशिएंसी वाला जो क्लॉज है, इंडिया इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी नहीं था। एंड उसके अलावा यहाँ पे और क्या बात करी है कि अब सिर्फ कंट्रीज़ को ही, जो गवर्नमेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ही नहीं एफर्ट लेना है, लेकिन जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, पब्लिक हैं, सिटीज़न हैं, उन्हें भी एक टाइप से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, सस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये इसके लिए गवर्नमेंट ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है इसके एफर्ट्स के लिए, बट सिटीज़न भी इन्वॉल्व भी इम्पॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि सिटीज़न क्या डिमांड करते हैं, उसी के बेसिस पे उनकी डिमांड मीट होगी। तो अगर सिटीज़न जो हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को या प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, कि जैसे कारपूलिंग करें, ठीक है, जैसे गारबेज ना बर्न करें, ठीक है, या फिर जैसे खुद अपने घरों में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जैसे सोलर पैनल इंस्टॉल करें, वेस्ट को कम करें, इस तरीके की जो लाइफस्टाइल चॉइसेस होती हैं ना, एक टाइप से अगर लोग उनको अडेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे और भी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसको ध्यान में रखते हुए हम पहले से ही इंडिया में आपका मिशन लाइफ चल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, वो भी इसी चीज़ को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ये बातें हुई, और इससे रिलेटेड एक ख़ास बात ये भी है कि पहली बार कोल से हट के हम लोग ओवरऑल फॉसिल फ्यूल्स की तरफ अब टारगेट कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा आर्टिकल था, ये आपका बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो चल रहा है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो वहाँ की रिपोर्ट्स निकल रही हैं, जो वहाँ का डिक्लेरेशंस हो रहे हैं, ड्राफ्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं आपके इस सब इसकी रेलिवेंस बता दूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये आपका प्रिलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे प्रिलिम्स में आपके इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित आपके काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस में दिखाऊंगा कि तो जैसे यहाँ पे ग्लोबल स्टॉकटेक की बात हो रही है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड आपको उनमें से सही चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है जानना कि ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है। एंड अगर मेंस की बात करें, मेंस में ये आपका GS3 में आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के अंडर इम्पॉर्टेंट आता है, कि अलग अलग जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कन्वेंशंस होते हैं एंड उनसे रिलेटेड जो प्रोग्रेस हैं, एंड आपका क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ एंड सॉल्यूशंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो आर्टिकल होता है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इस नज़रिए से आपको ये पढ़ना है। अब अगला आर्टिकल है, ग्लेशियर्स श्रंक बाय 1 मीटर अ ईयर इन अ डिकेड, WMO। तो देखिए वर्ल्ड मीटोलॉजी, WMO मतलब वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अभी इसकी एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कौन सी होती है, देखिए रिपोर्ट है द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान में रखिएगा ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट हो गए एंड उनके पब्लिशर्स हो गए,
ये चीज़ आपको प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और उनके पब्लिशर्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट रिपोर्ट आई एंड इस रिपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली इस रिपोर्ट ने प्रोवाइड करी कि अभी प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज एंड आपका जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से संबंधित क्या क्या अभी तक इम्पैक्ट एंड क्या क्या स्टेटस है कि किस रेट से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो एक बार हम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2011 टू 2020 जो डेकेड है ये अभी तक का सबसे वार्मेस्ट डेकेड रहा है। इन 10 सालों में तापमान जो है सबसे ऊंचा रहा है। लेकिन कहने के देखने की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, जैसे आपका साइक्लोन हो गया, हीट वेव हो गया, कोल्ड वेव हो गया, ठीक है, ड्राउट हो गए, तो एक्सट्रीम इवेंट से होने वाली जो डेथ्स हैं वो अभी तक की लोएस्ट हैं। लोएस्ट क्यों हैं? क्योंकि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं हमारे पास अब, उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गए हैं और अब डिज़ास्टर से रिलेटेड अलग अलग जो फोरकास्टिंग और डिज़ास्टर के मैनेजमेंट होता है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसको एक टाइप से, ये जो इंस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, इसको आप केस स्टडी या फिर आप एग्जाम्पल की तरह अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इम्प्रूवमेंट इन फोरकास्टिंग साइक्लोन फॉर्मेशन एंड टाइम इट टुक टू रीच द लैंड, ठीक है। तो इंडिया का जो साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस है, देखिए इंडिया में इस डेकेड में है, पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साइक्लोन आए हैं, लेकिन इंडिया अब बेटर फोरकास्टिंग की वजह से, बेटर प्रिपेयर्डनेस की वजह से जो साइक्लोन से होने वाली डेथ्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कम कर चुका है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। एंड इसके बाद ये भी बताया है, दिस वॉज द फर्स्ट डेकेड दैट द डिप्लीटेड ओजोन होल विजिबली शोड रिकवरी, कि जो ओजोन होल है, जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगा या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो केमिकल होते हैं, वो ऊपर जाके आसमान में जाके ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाके ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? हमें जो है हार्मफुल यूवी रेस से बचाने का काम होता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, पॉल्यूशन की वजह से उसमें होल हो रहा था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी यूवी रेस जो हैं अर्थ पे आ रही थी और लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि लोगों ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाना शुरू कर दी हैं, CFCs और HCFCs और अलग अलग ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया है बेटर ऑल्टरनेटिव से या फिर उनको हटा दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन होल हो गया था आसमान में, अब वो स्ट्रेटोस्फीयर में वो फिर से रिकवर हो रहा है। एंड अब ग्लेशियर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बात करी है कि ग्लेशियर्स दैट वर मेजर्ड अराउंड द वर्ल्ड थिंड बाय अप्रॉक्सीमेटली 1 meter पर ईयर ऑन एन एवरेज बिटवीन 2011 टू 2020, की इस डेकेड के बीच में जो ग्लेशियर्स हैं उनकी जो मोटाई है ऑन एन एवरेज हर साल घटती ही जा रही है। और अगर ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की बात देखें तो ऑलमोस्ट 38% जो है ग्लेशियल आइस जो है यहाँ पे लूज कर चुके हैं ये ग्लेशियर्स। ये बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि इससे सी लेवल राइज होता है और भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। और इस रिपोर्ट में आपका एग्जाम्पल भी था कि डिज़ास्टर्स भी होते हैं आपके आइसबर्ग्स और आइस शीट्स के मेल्ट होने की वजह से, आइस कैप्स के मेल्ट होने की वजह से, कि देखिए जो अभी 2021 में उत्तराखंड में रॉक एवलांच आया था, ये आपका नंदा देवी ग्लेशियर जो है आपका हिमालयाज में ये ब्रीच हो गया था, इसलिए ये आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप हिमालयाज में भी आइस कम होने से एक तो आपका वाटर कम होता है, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट होता है, सिर्फ यही नहीं डिज़ास्टर्स भी इससे और आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। एंड यहाँ पे बोला है ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क फ्रॉम एक्सट्रीम हीट इवेंट्स, कि क्लाइमेट चेंज से जो अब हमारे ह्यूमन क्लाइमेट एमिशंस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो हीट एक्सट्रीम हीट इवेंट है, कि मतलब एक टाइप से जैसे हीट वेव आती है, किसी गर्मियों में हम आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक रीच हो जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अब आजकल हाई फ्रीक्वेंसी पे है, राइज पे है, ठीक है। एंड
हीट वेव्स जो हैं आपका, हीट वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज व्हाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉज द मोस्ट नंबर ऑफ इकोनॉमिक डैमेज। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अभी तक जो हीट वेव है, हीट वेव से सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं, और एक और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है कि जो साइक्लोन है, उससे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज होता है। इकोनॉमिक डैमेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, रोड्स डैमेज हो गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाउसेज हो गए, तो इकोनॉमिक डैमेज साइक्लोन से सबसे ज़्यादा होता है। एंड इसके बाद ये भी बताया कि इसको टैकल करने के लिए हमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस को ऑलमोस्ट 2 times करना पड़ेगा। ठीक है, 2 times तो हम करना पड़ेगा, हम कर चुके हैं, लेकिन ज़रूरत किसकी है, ऑलमोस्ट 7 times इंक्रीज करने की। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आर्टिकल। ये आर्टिकल बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट की जो अलग अलग फाइंडिंग्स हैं, उस चीज़ को ये आर्टिकल डिस्क्राइब करता है। अब आते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस पे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कॉलम्स और एडिटोरियल्स आए हैं द हिंदू में। सबसे पहला है ऑनेस्ट रेकनिंग। ठीक है, ये वाला आर्टिकल आपका जो अभी COP28 के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसके बारे में एक एनालिसिस है। अगर आपको समरी बताऊं तो ये समरी ये है कि जो फॉसिल फ्यूल्स को अभी जो हमने डिस्कस किया था, कोल से फॉसिल फ्यूल्स को अब टारगेट किया जा रहा है, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर ये एनालिसिस का आपका आर्टिकल है। एंड अगर इसकी रेलेवेंस बताऊं, रेलेवेंस की अगर बात बताऊं, तो ये भी आपका मोस्टली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, स्पेशली फॉर GS3 कि जो हमें और फर्दर एफर्ट्स क्या करने पड़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को कम करने के लिए, एक तो वो, और दूसरा कि जो अलग अलग COPs होते हैं उनके क्या क्या आउटकम्स होते हैं एंड उनके एनालिसिस क्या होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो आर्टिकल है ये ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं डिटेल में कि ये आर्टिकल क्या क्या चीज़ें कहता है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो पेरिस अग्रीमेंट जो होता है इन 2015, वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कंट्रीज अब वन रिकग्नाइज होता है एंड एग्री होता है कि कंट्रीज अब 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, अलग अलग मिटिगेशन एफर्ट्स, अलग अलग अडेप्टेशन एफर्ट्स, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, अलग अलग चीज़ें। लेकिन अभी की अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, 2015 से लेकर 2023 तक की अगर बात करें, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है उससे अभी तक तापमान जो है 1 degree पहले ही इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसका ये मतलब है 1750s से लेके ऑलमोस्ट 2023 में +1 degree ऑलरेडी हो चुका है, और अब हमारे पास मार्जिन कितना बचा है, सिर्फ 0.5 degrees का। अगर 0.5 degrees अब आने वाले समय में इंक्रीज हो गया, तो समझिए ये वाला जो टारगेट है हमारा फेल हो सकता है एंड कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं। तो इसी चीज़ को डिस्कशन करने के लिए COP28 दुबई में हो रहा है, और इसी चीज़ का अब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं करंट एस्टिमेट्स नीडेड टू कर्व 1.5 degree Celsius। मतलब यहाँ पे क्या डिसाइड किया जा रहा है कि अभी एस्टिमेट क्या किया जा रहा है कि 1.5 degree Celsius तापमान जो है ना पहुँचे, इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो जो हमने डिस्कस किया, रेन्यूएबल एनर्जी के जो एफर्ट्स हैं उनको ट्रिपल करने की बात करें। ठीक है, क्या कि अभी से जब हमारे पास और 11,000 gigawatts रेन्यूएबल एनर्जी 2030 तक जब तक ऐड नहीं होगी, तब तक हम 1.5 degree Celsius के टारगेट को नहीं अग्री कर सकते। एंड ये वाला जो टारगेट है ये आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी इंक्लूड होता है, दैट हैपेंड एट G20 समिट। और ये जो चीज़ है आपका ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज कि जो हमने डिस्कस किया था इस वाले आर्टिकल में, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करी थी, आपका ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी और रेन्यूएबल एनर्जी की जो प्लेज है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि हमें रेन्यूएबल एनर्जी के एफर्ट्स को ट्रिपल करना है। एंड आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ की, देखिए यूनाइटेड नेशन में और UNFCCC है, उसमें 190 कंट्रीज़ जो हैं पार्ट लेती हैं,
आउट ऑफ 118 कंट्रीज ने यस बोला कि हाँ वो ट्रिपल करने को तैयार हैं एंड वो एफर्ट्स करेंगे कि वो ट्रिपल हो जाए उनका रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जैसे यूएसए हो गया, इन्होंने एब्सटेन करा एग्री करने से। क्यों एब्सटेन करा? इसका रीज़न सिंपल है कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है रहे आपके फॉसिल फ्यूल्स पे। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए आज के समय में जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है। इंडिया ने जो इससे पहले अपने NDC सेट करे थे वो इंडिया उनको ऑलमोस्ट फुलफिल कर चुका है, और अब फर्दर इंडिया ने टारगेट किया है कि जो पंचामृत वाला जो प्लेज है वो, एंड कहीं ना कहीं इंडिया का पर कैपिटा एमिशंस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इंडिया ने अब जो इंडिया का रिवाइज्ड NDC है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है, वो आपका 500 गीगावाट बाय 2030 है। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, इंडिया कितना भी लीड कर रहा हो, इंडिया कितना भी प्रोग्रेस कर रहा हो, इंडिया कितना भी कम एमिट कर रहा हो पर कैपिटा, लेकिन इंडिया जो है फॉसिल फ्यूल्स को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता है। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इंडिया का मेजर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो आपके फॉसिल फ्यूल्स के ही दम पे अभी हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल्स पे ही इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी बास्केट का कंपोनेंट होता है। तो इंडिया एकदम से इसको फेज आउट नहीं कर सकती, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो चाहती हैं कि इमिडिएटली सब फेज आउट हो। तो अब अगर इंडिया के ग्रीन हाउस एमिशन की भी बात करें तो कोल जो है इंडिया में 70% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रीब्यूट करता है, और अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात देखें, इंडिया की ऑलमोस्ट 50% कोल डिपेंडेंस है। उसी तरफ बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे US हो गया, US में मात्र 20% कोल पे वहाँ की एनर्जी डिपेंडेंट है, और ऑलमोस्ट 50% जो एनर्जी है वो उनकी ऑयल ऑन गैस से आती है। तो कहीं ना कहीं अगर USA जैसी कंट्री चाहे तो कोल को हटा के इस पे फर्दर डिपेंड हो सकती है। अगर कोल को हटा देगी तो फर्दर ऑयल एंड गैस पे आ जाएगी, लेकिन इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंडिया के पास ऑयल एंड गैस के भी रिजर्व्स नहीं हैं। ठीक है, तो एंड USA ने कमिट भी किया है कि 2035 तक कोल एनर्जी को कम्प्लीटली फेज आउट कर देगा। तो जैसे जैसे देखा जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी तेज़ी से एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनको फुलफिल भी कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले से उनके पास एडवांटेजेस हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से भी वही उम्मीद कर रही हैं, जबकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर इंडिया के लिए कुछ समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। अब देखिए आखिरी में आता है कि मेजर इशू क्या है। मेजर इशू इस पूरी सिचुएशन का ये आता है कि हमें आज के समय में फॉसिल फ्यूल्स को इमीडिएटली एंड करने की ज़रूरत है, लेकिन वहीं एक और सिचुएशन है कि कंट्रीज़, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आपकी ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये इस पोजिशन में नहीं हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को कम्प्लीटली हटा दें, क्योंकि उनकी खुद की डेवलपमेंटल नीड्स भी है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट वाला। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत है, एक वे फॉरवर्ड ढूंढने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ये आर्टिकल आपको बताता है। अब देखते हैं हम अगला आर्टिकल। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है ये आपका सोशल जस्टिस के ऊपर है। ठीक है, सोशल जस्टिस, एंड अगर मैं आपको इसकी रेलेवेंस समझा दूँ तो रेलेवेंस ये आपका मोस्टली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, स्पेशली इन GS2। ये आपका सोशल जस्टिस है वाला जो सिलेबस आता है उसमें जो आपका वल्नरेबल सेक्शंस वाला जो आपका सब सेक्शन आता है उसके अंडर में आता है। एंड जो आपकी अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हो गई एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स वाला पार्ट हो गया, सोशल सेक्टर एंड सोशल सर्विसेज जो आ गई, वो सब आपका सोशल जस्टिस के अंडर में आता है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एंड अगर मैं इस पूरे आर्टिकल की समरी अगर आपको सबसे पहले बताऊँ
तो इस आर्टिकल में बात किया है कि जो आपके वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं या फिर आदिवासी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इनको फोकस में रख के इन्होंने इस आर्टिकल में बात करी गई है। देखिए, बोला ये गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने काफ़ी सारे उनको आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज लाए थे वो, ठीक है, उनको अफर्मेटिव पॉलिसीज लाए थे ताकि एक टाइप से उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो। तो कहीं ना कहीं जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब एक टाइप से उन काफ़ी इन कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि उनका भी विकास होगा, लेकिन अगर आज के समय में देखें तो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट्स थोड़े बहुत तो मिले ही हैं, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हो गई और भी अफर्मेटिव पॉलिसीज़ हो गई, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो आपका स्पेशली इकोनॉमिक स्फीयर है, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गई, वेल्थ हो गई, पर्सनल इनकम हो गई, जो ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन सारे पैरामीटर्स में ये वाली जो कम्युनिटीज़ हैं ये अभी भी पिछड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में बात की है कि जो हम सोशल जस्टिस का जो अभी तक पूरा मॉडल फॉलो करते थे, ठीक है, तो उसी के साथ में जो हम कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़, जो लिबरल पॉलिसीज़ लाए हैं वो इनको एकोमोडेट नहीं करता है, जिनकी मदद से इकोनॉमिक लेवल पे इनकी इनका विकास नहीं हो रहा है। तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या नए टाइप के इकोनॉमिक मॉडल होने चाहिए कि इनका भी, इन कम्युनिटीज़ का भी विकास हो, ये चीज़ें ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे बात करी है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है इसके दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि सोशल हार्मनी, कि देखिए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल तभी हो सकती है जब लोगों के बीच में, लोगों के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एक सोशल हार्मनी हो, ठीक है, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, तभी एक डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है। और डेमोक्रेसी का दूसरा एस्पेक्ट आता है कि जो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बनी रहे, ठीक है, इंटैक्ट हो, ठीक है, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी डिग्निटी लूज़ हो रही है डेमोक्रेसी में या फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ हो रही है, लोगों का एक टाइप से कॉन्फिडेंस बना रहता है अगर लोगों की डेमोक्रेसी में डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट हो, एंड खास करके वो वाले सेक्शन ऑफ द पीपल दैट आर डिप्राइव्ड हिस्टोरिकली, जिनका पास्ट में शोषण हुआ है, अगर वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है तो वो डेमोक्रेसी तभी अच्छी डेमोक्रेसी कहलाएगी कि जब इस तरीके के जो बैकवर्ड लोग हैं, हिस्टोरिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनकी भी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी कम्युनिटी में सोशल हार्मनी बनी रहे। तो इससे आते हैं आपके मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूशन, इस तरीके की डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में फ्लरिश करे तो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेसी जिनकी वजह से चलती है, इम्पॉर्टेंट है कि वो पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस दें वल्नरेबल सेक्शंस को, जैसे दलित्स हो गए, वुमेन हो गए, ट्राइबल हो गए, एक्सेट्रा। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में वल्नरेबल सेक्शंस का भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हो, तब जाके एक टाइप से अच्छी डेमोक्रेसी बन पाती है। अब हम बात करते हैं एक बार पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, तो ये टाइप से की फिगर थे इन लिबरल एंड इगैलिटेरियन पॉलिसीज़। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था कि हमारे कंट्री एक लिबरल कंट्री बने, पॉलिटिकली लिबरल कंट्री बने, एंड कहीं ना कहीं इगैलिटेरियन पॉलिसीज़ हों, लोगों के बीच में भेदभाव कम हो, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी बनी रहे। इसके लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए थे, एंड उम्मीद करें, एंड इनके इन पॉलिसीज़ की वजह से जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जग गई थी कि अब नए इंडिया में, अब इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये वाले जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स थे, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, आगे आने वाले समय में इनका भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान होगा। एंड इंडिया का जो पास्ट रहा है, हिस्टोरिकल पास्ट रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का, सोशल फ्रेगमेंटेशन का या सोशल सेग्रीगेशन का, एंड इससे आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेटरी पास्ट से आगे बढ़ सकेंगे, इन कम्युनिटीज़ को उम्मीद थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो उनका ये जो विजन था, उनकी ये जो होप था, ये सिर्फ पार्शियली फुलफिल हो पाया है, ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, एंड स्पेशली किन के लिए, जो दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी हैं उनके लिए।
अब उसके बाद बात किया है कि जो ये कम्युनिटीज़ हैं इनकी बस नाम भर की अलग अलग जगहों पे प्रेजेंस है, कि आज के समय में जो डोमिनेशन है, कि जो डोमिनेशन है सोशल एलीट्स का, जैसे रूलिंग उनका सिर्फ रूलिंग क्लास का, जैसे नेशनल लीडर्स हो गए, बिजनेस टाइकून्स हो गए, कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इनमें जो सोशली जो अपवर्ड लोग हैं, अपवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा अभी तक देखा गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन है। एंड जो सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनका सोशल एलीट में रिप्रेजेंटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कम या फिर नेग्लिजिबल है, सिर्फ टोकनिस्ट आपका प्रेजेंस है। टोकन मतलब सिर्फ नाम भर का प्रेजेंस है, प्रेजेंस इतना है कि कोई ये ना कह सके कि यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, बट एक्चुअल में क्या इस प्रेजेंस की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो पा रहा है? नहीं, ठीक है। इसकी वजह से वेरी लो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज टू अपलिफ्ट देम। एक तो उनका डोमिनेशन नहीं है, डोमिनेशन और रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड इसके अलावा जो पॉलिटिकल पॉलिसीज भी आई हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो गया, लाइवलीहुड सिक्योरिटी हो गया, एफर्मेटिव पॉलिसीज हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसीज हो गया, या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पॉलिसीज हो गई इनके अपलिफ्टमेंट की, उनका भी काफ़ी कम इम्पैक्ट हुआ है अभी तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात करी है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अप्रोच कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनकी क्या अप्रोच थी? उनकी अप्रोच ये थी कि एथिकल करेक्टिव मेजर्स टू मेक इंस्टीट्यूशंस मोर डेमोक्रेटिक, मोर एंड प्रमोट मोर सोशल जस्टिस, ठीक है। कि आज के समय में हम लोग एथिकल मेजर्स की तरफ और ध्यान दें, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके, और जो सोशल जस्टिस है वो और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो सके, और ज़्यादा इंक्लूसिव हो सके। तो कहीं ना कहीं जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें और मॉरली सेंसिटिव बनाने की हमें ज़रूरत है। एंड लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो हम नियो लिबरल पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं। नियो लिबरल पॉलिसीज़ मतलब जैसे कैपिटलिज्म हो गया, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, इन पॉलिसीज़ को आजकल हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ये आप आजकल हर जगह देख रहे होंगे कि आजकल प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स क्या हैं? कि इन पॉलिसीज़ जो हैं, आपकी न्यू लिबरल पॉलिसीज जिन्हें कहते हैं, उन वहाँ पे कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वहाँ पे आपका मेन मोटिव होता है क्या? आपका प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे सोशल एंगल कोई नहीं आता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि अगर उसका किसी समुदाय पे गलत प्रभाव पड़ रहा हो तो उसको सही करने की जिम्मेदारी किसकी हो। ये पॉलिसीज़ इस पे कोई ध्यान नहीं देती। जो दलित्स हैं उनके एस्पिरेशंस को, उनके सोशल एस्पिरेशन, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को कोई इस पॉलिसी में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और इसी के साथ आदिवासीज़ में। एंड न्यू लिबरल पॉलिसीज़ में क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट होता है, मतलब कि जो जब बिजनेस लीडर्स जो होते हैं, कॉरपोरेट लीडर्स जो होते हैं, उनका पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, जो गवर्नमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन जब होता है, जब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हर कोई वर्क करता है किसी इकोनॉमी में, जब बिजनेस और पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब उसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। एंड न्यू लिबरल पॉलिसीज जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा पूरा इकोनॉमिक मॉडल है, जो पूरा का पूरा हमारा इन पॉलिसीज के ऊपर आधारित है, कहीं ना कहीं इस मॉडल को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एक नए ऑर्डर को कैसे हम लागू कर सकते हैं, या फिर एक नया इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर किस तरीके का होना चाहिए, अगर उसकी हम इमेजिनेशन करें, तो कहीं ना कहीं उनमें एक सवाल होता है कि हाउ टू इंटीग्रेट द वर्स्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इकोनॉमिक ऑर्डर। जो हमारे पिछड़े सामाजिक वर्ग हैं उनको हम आर्थिक ऑर्डर में, जो हमारा हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें, उनको कैसे इंक्लूड कर सकें, एंड कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको कैसे कम कर सकें। सबसे पहले तो
ये बताया गया है आर्टिकल में, ऑथर ये कहते हैं कि जो सोशल जस्टिस की पॉलिसीज़ हैं कि वल्नरेबल ग्रुप्स पे को और फोकस किया जाए, स्पेशली आपके प्राइवेट सेक्टर में, कि जैसे वर्किंग क्लास और पॉवर्टी, वर्किंग क्लास का और डेमोक्रेटाइजेशन हो, उनका और रिप्रेजेंटेशन हो, उनके व्यूज़ को और ध्यान में रखा जाए एंड पॉवर्टी को कम करने पर ध्यान दिया जाए। ये सब चीज़ें अब प्राइवेट सेक्टर को भी और ध्यान में देनी पड़ेंगी एंड इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इससे इम्पैक्ट होगा ये होगा कि जो दलित्स हैं, जो दलित वर्ग है, ये भी फिर वर्किंग क्लास में इंक्लूड हो पाएगा, उनके भी स्किल्स बढ़ेंगे, उनके भी इनकम्स बढ़ेंगी, उनके भी कैपिटलिस्ट एसेट्स जो हैं, ठीक है, उनके भी अमाउंट ऑफ वेल्थ बढ़ेगा। तो जो इम्पैक्ट ये होगा कि जो दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में इंक्लूड होने लगेंगे एंड ये भी खासकर आदिवासीज और ट्राइबल्स के कंसर्न जो हैं उनको और अच्छे से एड्रेस करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली अमंग द प्राइवेट सेक्टर, कि जैसे प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट हो उनका, कि आदिवासी जो होते हैं जनरली आपके फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन बिजनेसेस जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे डैम हो गया, कोई बड़ी माइनिंग की इंडस्ट्री हो गई, वो सब जंगलों को काट के, उनको डिस्ट्रॉय करके उनके ऊपर बनती हैं। इनसे क्या होता है, जो वहाँ के जो लोग मूल निवासी होते हैं, उन जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका घर नष्ट हो जाता है, उनका जो पूरा फॉरेस्ट होता है वही नष्ट हो जाता है। तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, जो इकोलॉजी है, लोकल इकोलॉजी, उस पे और ध्यान देने की जरूरत है एंड कहीं ना कहीं जो उनका लोकल कल्चर है, देखिए ट्राइबल कल्चर बहुत ज्यादा यूनिक होता है और हर ट्राइबल कल्चर जो है, अलग अलग ट्राइब्स का ट्राइबल कल्चर दूसरे से अलग होता है, तो और जो कल्चर है ट्राइबल कल्चर, वो उस ट्राइब को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रिजर्व किया जाए और जो ट्राइबल कल्चर है उसको ऑटोनोमी दी जाए, उसको खुद को गवर्न करने का अधिकार दिया जाए। और क्या तरीका हो सकता है कि जो आपका इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आजकल हो रहा है, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें दलित्स और आदिवासी जो कम्युनिटी हैं उन टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ में उन्हें भी एक मेजर स्टेक होल्डर बनाया जाए, इनसे भी ओपिनियंस लिए जाएं, ठीक है, इनको भी आपका पॉलिसी डेवलपमेंट में के डिस्कशंस में इनको भी इंक्लूड किया जाए, इनके भी ओपिनियंस लिए जाएं कि इनको कैसा लग रहा है, इनके क्या सुझाव हैं और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो दलित्स एंड आदिवासीज है, जो आपका इन्फ्लुएंशियल या फिर सोशल एलीट क्लास हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन भी इनके अमंग में हो, इनके बीच में हो, कि जो लीडर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेस हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, दलित और आदिवासी भी अलग अलग इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और इन्फ्लुएंसर्स बने एंड कहीं ना कहीं जो हमारा जो मॉडल है सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ का, जो हम फॉलो करते हैं, उसके आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। वी नीड टू लुक बियॉन्ड द कन्वेंशनल मॉडल ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिसीज एंड कहीं ना कहीं दे नीड टू बी सीन एज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि आज के समय में जो बहुत ज़्यादा शहरीकरण चल रहा है, टेक्नोलॉजी के मायने में आगे बढ़ोतरी हो रही है और औद्योगीकरण हो रहा है, उन पॉलिसीज में भी हमें आदिवासीज और दलित्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को, सोशल कंपोनेंट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है एंड जो अफर्मेटिव पॉलिसीज़ हैं कहीं ना कहीं हमें बिजनेस स्पीयर्स में भी लाने की ज़रूरत है, ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी और ज़्यादा हो। एंड कहीं ना कहीं जो ऑथर है ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट स्टेट है, जो स्टेट है, कहीं ना कहीं जो उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मूल जिम्मेदारियां हैं किसी भी सरकार की या किसी भी स्टेट की, आज के समय में हम उससे डिविएट हो रहे हैं, हम उससे भटक रहे हैं। कि किसी भी स्टेट का मेन टास्क क्या होता है कि स्टेट इज़ द की ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स टूवर्ड्स सोशल जस्टिस। कि जो स्टेट है, स्टेट एक मेजर एजेंट है सोशल जस्टिस का, लोगों तक जस्टिस पहुंचे, जो पिछड़े से पिछड़ा वर्ग हो उसको और आगे आने का मौका मिले, इसमें किसका सबसे बड़ा रोल होता है, आपके स्टेट का होता है। लेकिन स्टेट अब जो है नियो लिबरल इन्वायरमेंट को फॉलो करता है, नियो लिबरल या फिर पॉलिसी को फॉलो करता है एंड ये डिमांड क्या करती है कि स्टेट का बिजनेस में मिनिमल प्रेजेंस हो, ठीक है, एंड जो स्टेट है आपका बिजनेस के साथ और भी ज़्यादा एसोसिएट करे। तो
जो ओरिजिनल पर्पस था कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं हम उससे और वो डिविएट हो रहा है। तो अब नया एजेंडा क्या होना चाहिए सोशल जस्टिस का? तो नया एजेंडा ये होना चाहिए कि जो मार्केट के लीडर्स हैं, जो आज के समय के अब बड़े बड़े लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, कॉरपोरेट लीडर्स हैं, उनको और इनकरेज करना चाहिए कि अब प्राइवेट सेक्टर खुद वेलफेयर पॉलिसीज़ को आगे आगे बढ़ावा दे एंड खुद अपने तरीके से अलग अलग वेलफेयर पॉलिसीज़ लाए, ना कि सिर्फ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही ऊपर सब के अराउंड सब रिवॉल्व करें, एंड कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट करें। तो ये है बेसिकली आपके अम्बेडकर जी का सोशल जस्टिस का वर्जन कि जो कैपिटलिज्म है, अब कैपिटलिज्म को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, अपना एक कैपिटलिज्म में प्लूरलिज्म भी इन्वॉल्व हो और कोऑपरेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर एक इंक्लूड हो जाए और कहीं ना कहीं जो दलित्स एंड आदिवासीज हैं इनको सोशल जस्टिस मिले। ये एक नया मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म या फिर नया इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए। तो जिन टॉपिक्स पे हमने अभी अलग अलग आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप इसे रीड करें और कमेंट बॉक्स में इनको आंसर करें। तो ये हो गया आपका सबसे पहला। ये देखिए यहाँ पे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, याद करिए अभी हमने GST की बात करी थी ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में, तो ये भी इसकी तरह एक कीवर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा है क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। देखिए यहाँ पे भी वही बात हो रही है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक कीवर्ड है, उसके बारे में पूछा गया है एंड दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपका कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये है आपका क्वेश्चन फोर, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका उसी के ऊपर क्वेश्चन है सोशल जस्टिस के ऊपर। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को रीड करें एंड कमेंट में इसको आंसर करें, उसके ऊपर आपको रिव्यू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, डू गवर्नमेंट्स स्कीम फॉर अपलिफ्टिंग वल्नरेबल एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज बाय प्रोटेक्टिंग रिक्वायर्ड सोशल रिसोर्सेज फॉर देम लीड टू देयर एक्सक्लूजन इन एस्टैब्लिशिंग बिजनेस इन अर्बन इकोनॉमीज। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने के। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू।